नमस्कार दोस्तों, एडिसाइड के नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है संस्कृत रंगकर्म और संस्कृत नाटक पर। दोस्तों, आज इसी का छठा और आखिरी भाग रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कालिदास की का अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों, हमारे पास और भी डिस्कशन के लिए टॉपिक्स रहेंगे और भी हम ये नाटक लेंगे, बट आज जैसे कि मैंने बताया कि अभिज्ञान शकुंतलम का आखिरी डिस्कशन रहेगा, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आपसे मिलाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, ये संस्कृत समाचार प्रसारक आकाशवाणी दूरदर्शन नई दिल्ली, और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उर्वशी। मित्रों, कल के व्याख्यान में हम लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम पर बात की थी, संस्कृत रंगकर्म और संस्कृत नाटक भाग पाँच में। उसी की कंटिन्यूटी में हम आज बात करेंगे संस्कृत रंगकर्म और संस्कृत नाटक भाग छः में। कल जहाँ हमने कथानक को छोड़ा था, राजा कहते भद्रे वृक्ष सेचनात् एव अत्र भवतीम परिश्रांताम तर्कयामी। शकुंतला अपनी दोनों सहेलियों के साथ वृक्षों पर उनको पानी दे रही है, तो राजा उनको कहते हैं कि वृक्षों को पानी पिलाने की वजह से आप थक गई होगी, तो मैं आपको पुरस्कार के रूप में ये अपनी तदहम एनाम अनृणाम करोमी। शकुंतला को जो कि विशेष उसके प्रति अनुराग है उनका, अंगुली कम ददाती, अंगुली, और ये दृश्य आपने देखा था किस तरह से राजा उंगली प्रदान करते हैं, अंगूठी। और नेपथ्य में उसी समय भो तपस्विन तपोवन सन्निहित सत्वरक्षणाय सज्जी भवन्तु भवन्तः प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी राजा दुष्यंत। कालिदास की अपनी शैली, नाटक में दूसरा दृश्य या दूसरा घटनाक्रम लाने के लिए नेपथ्य से भो तपस्विनः तपस्वियों को संबोधित करके कि पास में ही मृगया विहार के लिए राजा दुष्यंत आए हैं, इसलिए आप लोग उनके सम्मान के लिए तैयार हो जाइए। और राजा अपने मन में सोचते हैं, अहो धिक मम अन्वेषिणः सैनिकाः तपोवनम अभिरुन्दन्ति, क्योंकि राजा है, चक्रवर्ती राजा है, अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ लाव लश्कर सब होगा, तो ये जो सेना के लोग हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे, और सैनिकों ने ये जब घोषणा की तो राजा कहते मेरी वजह से तपोवन में ये सैनिक लोग इस तरह से कोलाहल मचा रहे हैं। और पुनः घोषणा होती है, भो तपस्विनः पर्याकुलयन वृद्ध स्त्री कुमारान एष गजः प्राप्तः। एक हाथी स्वतंत्र रूप से वहाँ एक जंगल में घूम रहा होता है, तो घोषणा करते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि हाथी छूट गया है और किसी को भी वो मार सकता है। भवतु प्रतिगच्छामि तावत्। और राजा उस हाथी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, और दोनों सखी राजा को कहती है, महाभाग अनेन हस्ति संभ्रमेण पर्याकुलाः स्मः, यह हाथी जो खुला छूट गया है उसकी वजह से हम डर गई हैं, अनुजानी ही नह उठज गमने, हमको अपनी कुटिया की और तपोवन में अपने आश्रम में जाने की अनुमति दें। और यहीं पर प्रथम अंक पूरा हो जाता है। अब आइए द्वितीय अंक का आरंभ करते हैं। कवि कुलगुरुणा कालिदासेन विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नामनः नाटकस्य द्वितीयो अंक, दूसरा अंक शुरू होता है। दूसरे अंक में राजा और विदूषक, इनका प्रवेश होता है, और विदूषक भी साथ में है जो राजा का नर्म सचिव है, मित्र है, राजा के अनेक रहस्यों को जानने वाला है। राजा के साथ मृगया के समय आने वाली कठिनाइयों का वो पहले आरंभ में विदूषक वर्णन करते हैं, और राजा का मन शकुंतला के प्रति आकर्षित है इस बात की सूचना देते हैं। इसके बाद मैं संक्षेप में कथानक कहते हुए जो मुख्य प्रसंग है वो आपके सामने रखूंगा। राजा सेनापति को बुलाते हैं, राजानम अवलोक्य स्वगतम, राजा को देखकर सेनापति अपने मन में कहते हैं, दृष्ट दोषापि मृगया केवलम गुणाय एव संवृत्ता, वैसे तो मृगया माने शिकार खेलना, उसमें बहुत सारे दोष है, लेकिन राजा को देखकर लगता है कि इसमें बहुत सारे गुण है। राजा कहते भद्रसेन
भग्नोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माधव्येन, विदूषक का नाम माधव्य है, कि माधव्य ने मुझे भग्नोत्साह माने मेरा उत्साह समाप्त कर दिया है मृगया खेलने के लिए। तो भद्रसेन मृगया के गुणों को गिनाता है और यहाँ पर कालिदास की जो विशेष मृगया के बारे में दृष्टि है वो हमको पता चलते हैं। वो कहते हैं शार्दूल विकृत छंद में, मेद छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्साह योग्यम वपुः सत्वानामपि लक्षते विकृतिमच्चित्तम भय क्रोधयो उत्कर्षः सच धन्विनाम यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्षे चले मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति मृगया मिद्रिग्विनोदः कुतः। मृगया को बेकार में ही कह उसकी निंदा करते हैं कि शिकार नहीं खेलना चाहिए। मृगया खेलने से क्या क्या लाभ हो सकता है सेनापतियों गिना रहे हैं। मेद छेद कृशोदरम, मेद माने जो मोटापा ओबेसी शरीर में होता है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि उसमें श्रम करना पड़ता है, सारा दिन जंगल में घूमना पड़ता है और इस तरह से प्राणियों के पीछे। तो मेद छेद माने फिटनेस बिल्कुल होती है। कृशोदरम पेट छोटा हो जाता है। लघु भवती उत्साह योग्यम वपुः, क्योंकि हमेशा उत्साह बना रहता है किसी प्राणी के पीछे, राजा या शिकारी लोग पीछे लगे रहते हैं, कई सम घंटों तक एकदम संधान करना पड़ता है शिकार का, तो उससे क्या होता है उत्साह योग्यम वपुः। वपुः शरीर लघु भवती उत्साह योग्यम भवती, शरीर अच्छा पतला फिट हो जाता है और हमेशा उत्साह बना रहता है। सत्वानाम अपि लक्षते विकृतिमच्चित्तम भयक्रोधयोः, जो सत्व है प्राणी है, हिरण हो गया, शेर हो गया, जो भी है प्राणी है, उसका भय डरना और क्रोध माने गुस्सा करना, ये दोनों का विकृतिमच्चित्तम उनके चित्त में जो विकार होता है उसका लक्षते ज्ञान पता चलता है कि किस प्रकार प्राणी रिएक्ट करते हैं जब शिकार शिकारी पर आक्रमण करता है। तब मिथ्या उत्कर्षः सच धन्विनाम, धन्विन माने जो धनुष्बाण रखते हैं उसको धन्विन कहते हैं। धन्विनाम उत्कर्षः सच यदि इषवः सिद्ध्यन्ति लक्षे चले, लक्ष्य जो टारगेट है जिस पर बाण चलाना है वो चल है माने भागता हुआ हिरण है और उस पर धनुष्बाणधारी एकदम अनुसंधान करते हैं कि बिल्कुल निशाना सही जगह पर लगे, तो इसलिए उनकी जो निशानेबाजी है उसका उत्कर्ष होता है, अभ्यास होता है, परफेक्शन आता है, पूर्णता आती है। इतना कह के चौथी लाइन में सेनापति भद्रसेन कहते हैं, मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति, मृगया को व्यसन माने बुरी आदत के रूप में जो कहते हैं वो मिथ्या है, गलत है, क्योंकि मृगयाम इद्रिग विनोदः कुतः, विनोद मनोरंजन मन को हल्का करना है, क्योंकि अनेक प्रकार के राज्य के दायित्वों को लेकर राजा अपने जो चिंता करते रहते हैं और अनेक प्रकार का उनका मानसिक जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए उनके लिए मृगया जो है शिकार खेलना एक प्रकार का विनोद है, मनोरंजन है। इस तरह से इस दूसरे अंक के पांचवें श्लोक में जो अलंकार है वो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है, मैंने पहले ही आपको बताया। इसी प्रकार विदूषक के साथ बात करते करते बात आती है शकुंतला की। राजा सखिभ्याम मिथः प्रस्थाने पुनः सलीलया तत्र भवत्या मयि भूयिष्ठम आविष्कृतो भावः। राजा विदूषक को कहते हैं कि किस प्रकार से मैंने शकुंतला को दोनों सखियों के साथ देखा, एक दूसरे को देखने के बाद हम दोनों के प्रति आकर्षण हुआ, उस बात को लेकर राजा कहते जब वो जा रही थी उस समय किस प्रकार से अपनी सखियों के साथ वो गई। सखिभ्याम मिथा माने दोनों सखियों के साथ, प्रस्थाने माने जब डिपार्चर यहां से निकल गई वो उटज में जाने के लिए, लीलया सलीलया लीला के साथ हाव भाव के साथ, तत्र भवत्या शकुंतलया शकुंतला ने मयि भूयिष्ठम आविष्कृतो भावः, मेरे में उसका अनुराग है, आकर्षण है, आसक्ति है, इस प्रकार का जो भाव है भूयिष्ठम माने बहुत गहन भाव को उसने आविष्कृत माने दिखाया, कैसे तथा ही। अब ये श्लोक सुनिए और इस श्लोक पर राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले श्लोक सुनिए,
दर्भांकुरेण चरणक्षतयित्य कांडे तन्विस्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा दर्भांकुरेण चरणः क्षतयित्य कांडे तन्विस्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद् विवृत्तवदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणां शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणां। ये श्लोक को राजा रवि वर्मा ने देखिए किस प्रकार से उत्कीर्ण किया है, रेखांकित किया है। शकुंतला जा रही है, जाते हुए उसने अकांडे, कोई वहां अवसर नहीं था, अकांड माने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई समय नहीं था, फिर भी उसने एकदम खड़े होकर कहा, ओहि मां मेरे पैर में घास चुभ गई। दर्भांकुर, दर्भ कहते हैं जो शार्प घास होती है, उसका अंकुर माने जो ऊपर का हिस्सा होता है, उससे चरण क्षत, मेरे पैर में घास का कांटा लग गया है और उसने अपना पैर ऊपर किया हुआ है। तन्वी स्थिता, तन्वी माने स्लिम बॉडी वाली जो शकुंतला है, कतिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ पैर चली दो तीन अपनी सहेलियों के साथ और एकदम उसने कहा मेरे पैर में घास चुभ गई, पैर ऊपर किया। और आसीद विवृत्त वदना, मुड़ के उसने देखा, विवृत्त वदना माने मुड़ के देखा। विमोचयंती शाखासु वलकलम असक्तम अपि द्रुमाणाम, वृक्ष की शाखा में उसका जो वलकल है उसका कोई किनारा लग गया है, लगा नहीं था लेकिन असक्तम अपि नहीं लगा, फिर भी विमोचयंती छुड़ाते हुए और पैर में कांटा दर्भांकुर लग गया है ऐसा कहते हुए उसने मेरी ओर मुड़ के देखा। राजा इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इसमें मुग्धा स्वभावोक्ति अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। राजा रवि वर्मा ने इस भाव को बहुत अच्छी और तरह से और सफलता से उत्कीर्ण किया है। दर्भांकुरेण चरण क्षतयित्य कांडे तन्विस्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद् विवृत्त वदना च विमोचयन्ति शाखा सुवलकलम सक्तम अपि द्रुवाणाम। इस प्रकार से द्वितीय अंक में राजा और विदूषक का बहुत दीर्घ आलाप होता है, संवाद होता है। राजा को अपने मन में यह होता है कि मैं आगे शिकार नहीं खेलने जाऊंगा। उधर से उनकी माता का जो नगरी है वहां से राजधानी से बुलावा आता है कि पिंडदान के लिए आपको आना है, तो विदूषक को वापस भेजते हैं। वे स्वयं वन की रक्षा के लिए कुछ दिन यहीं जंगल में तपोवन में रहेंगे ऐसा कह के माधव्य को, सेना को, सबको लौटा देते हैं राजा। और वहां पर द्वितीय अंक समाप्त होके तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरे अंक के आरंभ में प्रियंवदा और अनसुया के संवाद से हमको पता चलता है कि शकुंतला की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने आप को अस्वस्थ अनुभव कर रही है। तो प्रियंवदा कहती है, मदन लेखनम इदानीम अस्य क्रियताम, जानते हैं कि इसकी शारीरिक के बजाय मानसिक अस्वस्थता ज्यादा है, क्योंकि राजा से एक बार मिलने के बाद पुनः मिलना वो चाहती है लेकिन कौन सा कारण बने, तो इसीलिए प्रियंवदा सोच के कहती है कि मदन लेखम, प्रेम पत्र अगर ये लिखती है राजा के प्रति, अहम तत् सुमनोगोपितम कृत्वा, सुमनोगोपित माने फूल पुष्प में उस पत्र को छुपाकर, देवता सेवापदेशेन तस्य राज्ञो हस्तम प्रापयिष्यामि, पुष्प में उसको पुष्प की जो थाली है, पात्र है, उसमें छुपाकर देवता सेवापदेशेन, देवताओं की सेवा के लिए ये सामग्री ले जा रहा हूं, इस बहाने से जाकर राजा को वो पत्र में दे दूंगी। तो अनसुया कहती है, सखी रोचते में सुकुमार एष प्रयोग, तुम्हारा ये जो विचार है, सुकुमार प्रयोग है, आइडिया है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। किम वा शकुंतला भणती, अब वो शकुंतला को कहते, शकुंतला तुम पत्र लिखने के लिए तैयार हो राजा को अपने मन के भाव बताने के लिए? तो शकुंतला कहती, सखी नियोगोपी विकल्प्यते, माने सहेलियों ने जो विचार किया है उसके बारे में भी मैं सोचती हूं कि ठीक ही है।
शकुंतला पत्र लिखती है। देखिए, ये पुनः राजा रवि वर्मा ने इस चित्र को किया है। शकुंतला अपने हाथ में जो कमल का पत्ता है उससे पत्र राजा दुष्यंत को लिखती है। तो प्रियंवदा कहती है, तेन ही आत्मानः उपन्यासानुरूपम चिंतया ललित पदावली बंधाम गीतिकाम। प्रियंवदा कहती है कि राजा को जो तुम्हें कहना है, मन की बात जो कहना है, ललित पदावली बंधाम माने प्रेम पत्र है, अपने जिसको कहते हैं अपनी प्रीति का इजहार प्रकटीकरण करना है, तो ललित पदावली खूब अच्छी तरह से सुंदर शब्दों में वाक्यों में अपने हृदय की बात तुम लिखना। तो शकुंतला कहती है, चिंतयामी मैं सोच रही हूं, किंतु अवधीरणाभिरुकम वेपते मे हृदयम। अवधीरणा माने अवज्ञा, मैं पत्र लिखूंगी और कहीं उस राजर्षि ने अस्वीकार कर दिया, अवमानना कर दी, अवज्ञा कर दी, तो मैं क्या करूंगी। तो इस डर से वेपते मे हृदयम, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं मन में सोच रही हूं लिखूं या ना लिखूं। अब ये सहेलियां जो इस तरह से बात कर रही है, पुनः राजा गुप्त रूप में इनकी बात दूर से सुन रहे हैं, वृक्ष की आड़ लेकर राजा अपने मन में कहते हैं, उपस्थितस्त्वाम प्रणयोत्सुको जनो नरत्न मन विश्यति मृग्यते ही तत्। पूरा श्लोक है जिसमें यह अर्थांतर न्यास है कि उपस्थितस्त्वाम, मैं स्वयं यहां उपस्थित हो गया हूं, प्रणयोत्सुको जनः, मैं भी तो तुमसे प्रणय करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद कहते हैं, न रत्न मन विश्यति, जो रत्न होता है, डायमंड होता है, उसको अपनी कीमत आंकने के लिए या किसी को वो प्राप्त हो इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। मृग्यते ही तत्, लोग ढूंढते हैं रत्नों को, डायमंड को खोजते हैं, माने शकुंतला रत्न है और उस रत्न को पाने के लिए मैं स्वयं राजधानी से यहां उपस्थित हूं, ऐसा कहके स्वागत है राजा का। अर्थांतर न्यास अलंकार और वंशस्थ वृत्त में श्लोक है। तो शकुंतला कहती है, हला चिंतिता मया गीतिका, मैंने जो प्रेम पत्र में जो बात लिखनी है वो सोच ली है, लेकिन असन्निहितानि पुनः लेखन साधनानि, कहाँ लिखूं, शाही नहीं है, कलम नहीं है, मैं पत्र नहीं है, कागज नहीं है, किस पे लिखूं। तो प्रेमवदा कहती है, ननु अस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे पदच्छेद भक्त्या नखैः आलिख्यताम। तपोवन में है तो वहां शुकोदर, शुक माने तोता, उसका उदर माने पेट, जो तोता है पैरेट उसका उदर है वो इतना कोमल होता है, उस तरह से नलिनी पत्र, कमलिनी का जो पत्ता है उस पर पदच्छेद भक्त्या, आराम से नख के द्वारा तुम अपना पत्र लिखो, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। उसी समय प्रेम पत्र जब शकुंतला सखियों को सुनाती है तो उस संदेश को राजा भी सुनता है, लिख के फिर वो सुनाती है शकुंतला, और राजा भी सुनता है, अपने आप को उनके सामने एकदम उपस्थित, राजा को विश्वास हो गया कि शकुंतला मेरे में दृढ़ अनुराग रखती है, तो सामने आकर कहता मैं यहां उपस्थित हूं। तो दोनों सखी कहती है, सहर्षम उत्थाय विलोक्य च, खुशी से वो उठती है और देख कर कहती है, स्वागतम, आपका स्वागत है, यथा समिहित फलस्य अविलंबिनो मनोरथस्य, हमारा जो मनोरथ, हमारी जो इच्छा है उसका फल हमको मिल गया, उसके रूप में आप यहां उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है। शकुंतला घबराहट में उठ खड़ी होती है तो राजा कहते हैं, अलम अलम आया सेना, आप उठिए नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठे रहिए। प्रियंवदा कुछ कहने जाती है तो उससे पहले राजा पूछते हैं, कच्चित सखिम वो नाति बाधते शरीर तापः, आपकी सहेली को शरीर ताप माने टेम्परेचर ज्यादा है क्या, बहुत अस्वस्थ है क्या। तो प्रियंवदा कहती है, महाभाग महोदय द्वयोरपि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्ष, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो अनुराग है वो दिखाई देता, स्पष्ट है। सखी स्नेहः पुनर्माम पुनः रुक्तवादिनीम करोति, लेकिन मेरी सहेली का जो मुझे स्नेह और उसका शुभ मैं सोचती हूँ, वेल विशर हूँ, इसीलिए पुनः उक्तवादिनीम करोति, मुझे पुनः बोलने के लिए ये प्रेरित बात कर रही है। राजा कहती, भद्रे नैतत् परिहार्यम, आप किसी बात से संकोच मत कीजिए, जो मन में वो बात कहिए, विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, कहना चाह रहे हैं और नहीं कहा तो उससे ज्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है, अवसाद होता है, इसलिए जो मन में आपकी बात है स्पष्ट कह दीजिए। तो प्रियंवदा कहती है, तेन ही श्रृणो तो आर्य, तो आप सुनिए, अवहितोस्मि, राजा कहते मैं सुन रहा हूं। प्रियंवदा
आश्रमवासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम् इति ननु एष धर्मः। इनडायरेक्टली प्रियंवदा राजा को कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका दायित्व क्या है, आप राजा है, आप चाहे तो किसी भी तरह से किसी को भी पा सकते हैं, लेकिन राजधर्म आपका है प्रजा का संरक्षण करना। तो इसीलिए आश्रमवासिनो जनस्य, हम आश्रमवासी लोगों को राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम्, राजा उनके दुख को दूर करे, उनकी कमियों को पूरा करे, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे, राजा का ये दायित्व है। तो आप ननु एष धर्म, ये आपका धर्म है, आपकी मर्यादा है, आपका अनुशासन है, आपका कर्तव्य है। तो आपको स्वच्छंद आचरण की अनुमति नहीं है, आपका अनुराग है तो धर्म के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, शिष्टाचार के अनुसार आपको वर्तन करना होगा, व्यवहार करना होगा। ये एक तरह से गर्भित संदेश प्रेमवदा के माध्यम से। और उसके बाद राजा शकुंतला के साथ बात करते हैं, उसको विश्वास में लेते हैं, और उनका ये आपस का जो अंतरंग दृश्य है उसकी स्लाइड में आपके सामने दिखा रहा हूं। दुष्यंत और शकुंतला के ये अंतरंग क्षण, शकुंतला कहती है, पौरव रक्ष रक्ष विनयम, हे राजा आप विनय माने शिष्टाचार, उसको जब उसका हाथ पकड़ते हैं, इतस्ततः ऋषयः संचरन्ते, ये तपोवन है, ऋषि और तपस्वी लोग इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो राजा कहते हैं, सुंदरी अलम गुरुजनाद भयेन, जो बड़े लोग हैं उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, नते विदित धर्मा तत्र भवान कण्व खेदम उपयास्यति, जो महर्षि कण्व है वो धर्म को जानते हैं, वो मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारी प्रीति मेरे में है, इस वृत्त से उनको कोई खेद नहीं होगा, दुख नहीं होगा। क्यों? गांधर्वेण विवाहेन बह्व्योऽथ मुनिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चानुमोदिताः। विवाह के आठ प्रकार हमारे स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, उसमें से गांधर्व विवाह, जिसमें परिपक्व वय वाले नायक और नायिका यानी स्त्री और पुरुष गांधर्व विवाह कर सकते हैं दोनों की अनुमति के साथ। तो इस गांधर्व विवाह की अनुमति शास्त्रों ने दी है, और जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वे पहले भी गांधर्व विवाह को अनुमति दे चुके हैं, शास्त्र के अनुकूल कह चुके हैं। बहव्यो मुनि कन्या का, बहुत सारी मुनि कन्याओं ने पहले गांधर्व विवाह किया है, श्रूयंते परिणीता, उन्होंने विवाह किया ऐसा सुनते हैं, पितृभिश्चानुमोदिता, और उनके पितरों ने माने माता पिता ने, गुरुजनों ने, अभिभावकों ने उन विवाहों को सम्मति दी है, उसको स्वीकार किया गया, अभिज्ञान दिया, रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए ऋषि कण्व को जब ये सूचना पता चलेगा कि हम दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया है तो वे इसको अस्वीकार नहीं कहेंगे। इस तरह से ये दूसरा दृश्य है जिसमें दोनों का अंतरंग, राजा शकुंतला को अपने विश्वास में लेते हैं, शकुंतला मुग्धा नायिका है, इसलिए राजा कहते मैं चक्रवर्ती हूं लेकिन मैं अपने दायित्व को जानता हूं, और तुम्हें मैं महाराज्ञी के पद पर बिठाऊंगा, और हमारी जो संतान होगी वो मेरे बाद उत्तरावर्ती मतलब राज्य को राजा बनेगी, इस तरह से विश्वास में लेके उसके साथ गांधर्व विवाह करते हैं, और दोनों का अंतरंग दृश्य ही यह है। इस समय जो वलय पहना है, न कंकण पहना है, और वो कंकण कैसा है, मृणाल वलय है, यानी जो कमल दंड होता है, कमल की जो दंड नाली होती है उससे बनाया हुआ एक कंकण है, वो ढीला हो गया उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से, तो उसको पहनाने के लिए राजा शकुंतला को उसका हाथ पकड़ते हैं। तो उस समय शकुंतला को वो पूछते हैं कि ठीक मैंने पहना दिया, तो शकुंतला कहती है मेरी आंखों में कुछ रेणु, कमल रेणु गिर गई है तो मैं देख नहीं पा रही हूं, न तावद एनम प्रेक्ष्य, मैं नहीं देख पा रही हूं, पवन कंपित करणोत्पल रेणु ना कलुषी कृता में दृष्टि, ये उत्पल रेणु है उससे मेरी आंख में बाधा आ रही है देखने में। और राजा फिर कहते मैं अपने मुख के पवन से फूंक लगाकर तुम्हारी ये आंख को साफ, और उस तरह से उनका अंतरंग दृश्य यहीं पर तृतीय अंक समाप्त होता है। अब आइए चतुर्थ अंक का आरंभ होता है। चतुर्थ
अंक में, जैसे प्रत्येक अंक में प्रवेशक, विष्कम्भक, प्रस्तावना इत्यादि, मुख्य नाटक शुरू होने से पहले रंगमंच की जो मर्यादा है कि मुख्य दृश्य आएगा, कथानक शुरू होगा, उससे पहले जो सहपात्र गौण पात्र है वो प्रवेश करके आगे की कथानक की सूचना देते हैं, जैसे कि संस्कृत रंगकर्म की परंपरा है। तो विष्कम्भक में हमको शारदवत जो शिष्य है उससे पता चलता है कि ऋषिकर्ण वापस आ गए हैं और आकाशवाणी के द्वारा उनको सूचना मिल गई है कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है। तो अब वो शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, शकुंतला रात दिन दुष्यंत चले जाते हैं राजधानी में और शकुंतला बैठी उनके बारे में सोच रही होती है। उस समय ऋषि दुर्वासा उस तपोवन में आते हैं और उनको देखकर शकुंतला इतनी अपने आप में एकाग्र और अपने भाव में डूबी होती है, उसको पता नहीं चलता ऋषि आ गए हैं। दुर्वासा आशुकोपी है, एकदम क्रोध आ जाता है और वो कहते, आह कथम अतिथिम माम परिभावयसि, मुझ अतिथि को यहां देखकर भी तुम मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रही हो, मेरा अपमान कर रही हो। और एकदम वो श्राप दे देते हैं। उस श्राप को महाकवि कालिदास ने इस तरह से बांधा है अपने शब्दों में, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपो निधिम वेत्सि न माम उपस्थितम। बहुत सरल संस्कृत है, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, अनन्यमानसा माने एकदम डूब कर अपने मन को लगाकर अपने दिल से तुम जिसको सोच रही हो, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपो निधिम वेत्सि न माम उपस्थितम। मैं तपोनिधि हूं, इतना तपस्वी, मेरी इतनी तप की शक्ति है, उसको उपस्थितम माम न वेत्सि, मैं यहां आ गया हूं, उसका तुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है कि मैं दुर्वासा नाम का प्रख्यात ऋषि उपस्थित हुआ हूं। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन, जिसके बारे में तू इतना चिंतन कर रही है और उसके बारे में सोच रही है, ख्यालों में डूबी हुई है, वो व्यक्ति जब तुम उसके सामने जाओगी, त्वाम स बोधितोपि सन न स्मरिष्यति, तुम बार बार उसको कहोगी कि मैं तुम्हारी पत्नी शकुंतला हूं, हमने गांधर्व विवाह किया है, तपोवन में किया है, अंगूठी दिखाना चाहोगी, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हें भूल जाएगा। कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, जैसे कोई पागल जो जिसकी चेतना ठीक नहीं है, मस्तिष्क ठीक नहीं है, वो कोई भी बात पहले कहता है वो बाद में भूल जाता है, इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम इतना चिंतन कर रही हो वो उसी तरह तुम्हें भूल जाएगा जैसे प्रथमं कृताम कथाम प्रमत्तः इव, पहले कही हुई बात को प्रमत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, नशे में जो व्यक्ति होता है उस तरह से भूल जाता है, उस तरह से वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोनिधिं वेत्सि न माम उपस्थितम्, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। इस प्रकार से जब ऋषि श्राप देते हैं, शकुंतला को तो पता ही नहीं है, वो अपने ध्यान में लगी हुई है, मग्न है। उसी समय प्रियंवदा जो पास में, वो सुन लेती है, वो कहती है, हाधिक तदेव संवृतम यन्मया चिंतितम, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी, जो मैं सोच रही थी। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया प्रिय सखी शकुंतला, किसी महान आदरणीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला के द्वारा अपराध हो गया है। कस्मिन्नपि पूजा रहे, कोई आदरणीय व्यक्ति के लिए शून्य हृदय, क्योंकि उस शून्य हृदय है, वो खोई हुई है अपने प्रियतम के ख्याल में, विचार में, वैसी हमारी प्रिय सखी उसने कोई अपराध कर दिया लगता है। अनुसुया कहती है, तो क्या हुआ, तो उसको प्रियंवदा सुनाती है, यदा निवर्ति तुम नेच्छति तदा पादयो पतित्वा विज्ञापितो मया,
मैं एकदम वहां गई और मैंने देखा महर्षि दुर्वासा है और उनके प्रति शकुंतला का यह अपराध हो गया है। तो मैंने उनको पैरों में गिरकर प्रार्थना की कि मेरी सखी की ये मानसिक स्थिति है, वो अभी सोच नहीं पा रही है, स्वस्थ चित्त नहीं है। तो ऋषि ने क्या कहा, भगवान प्रथमम इति प्रेक्ष, ये उसकी पहली गलती है, यह सोचकर अविज्ञात तपा प्रभावस्य दुहित्री जनस्य, जैसे बेटिया है कन्या है उससे कोई गलती हो जाए तो अविज्ञात तप प्रभाव, आपका जो तप प्रभाव है उसको पता नहीं है, अयम अपराधो भवता मर्शयितव्य, ये उसकी जो भूल है उसको आप कृपया क्षमा कर दीजिए। प्रियंवदा अनुसुया को पूछती है फिर क्या हुआ ततस्ततः, तो अनुसुया उसको सुनाती है ततस्तेन भणितम। उसके बाद ऋषि ने कहा, अब उनका कोप क्रोध गुस्सा शांत हो गया है, तो दुर्वासा कहते हैं नमे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा ये जो वचन है कि ये इस तरह से मैंने कहा, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, ये अन्यथा नहीं होगा, ये तो होके ही रहेगा, लेकिन आभरणाभिज्ञान दर्शनेन अस्याह शापो निवर्तिष्यति इति, कोई आभरण कोई ऑर्नामेंट जैसे अंगूठी कंकण या ऐसा कुछ दिखाएंगे तो राजा पहचान लेगा, शकुंतला को स्वीकार कर लेगा। इति मंत्रयमान एव अंतरितः, ऐसा कहकर दुर्वासा चले गए। इस तरह से ये विष्कंभक पूरा होता है और ऋषि कण्व का आरंभ होता है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं भाग दो में, कि किस प्रकार से कण्व आते हैं बाहर अपने तपोवन से और अपनी बात कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतले तिरिदयम् संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्थम भित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम्। अद्य शकुंतला यास्यति, आज मेरी बेटी शकुंतला अपने पति घर चली जाएगी, ये सोचकर ही मेरा गला भर आ रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, दृष्टि बाधित हो रही है। यास्यत्यद्य शकुंतले तिरिदयम् संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्थम भित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम् वैक्लव्यम् मम तावदिदृशमिदम् स्नेहादरण्यौकसः, मैं अरण्य में रहने वाला उदासीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्यक्ति, केवल मैंने उसको पाला है, इतना होने पर भी मेरी स्थिति यह है कि आज चली जाएगी, मैं क्या करूंगा। तो पीड्यंते गृहिणो नुतनया विश्लेष दुखेर नवई, जिनकी अपनी बेटी जो बचपन से बड़ी बड़ी उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसको प्रेम किया, वो जब पति गृह जाती होगी तो जो सामान्य गृहस्थ लोग होंगे उनकी क्या स्थिति होती होगी। कालिदास का जो मनोभाव दर्शन का एक मनोविज्ञान है कि किस प्रकार से हमारे भारतीय कुटुंब परंपरा जो है कौटुंबिक परंपरा में बाप बेटी भाई भाई माता पिता भाई बहन का प्रेम, ये आपस का स्नेह किस तरह से प्रगाढ़ होता है और संबंधों की व्यावहारिक सच्चाई जो है वो क्या है, उसको महाकवि कालिदास ने बहुत सूक्ष्म रूप में तपस्वी के द्वारा महर्षि कण्व के द्वारा यहाँ प्रकटित किया है बताया है। और इसके बाद जैसे मैंने पहले भी इस बात को आपके सामने रखा है कि काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्, ये चतुर्थ अंक की ये बात है जिसमें ऋषि कण्व कहते हैं कि ये शकुंतला की विदा इतनी करुणाजनक है और उसके जाने से आसपास का पूरा परिवेश पूरा वातावरण करुणामय हो जाता है और सबसे अनुमति लेने के लिए ऋषि कण्व शकुंतला को कहते हैं कि आप सब वृक्ष पशु पक्षी कोयल लता ये सब अनुमति दीजिए और मृग जो पाला हुआ होता है जिसको अपना पुत्र समझती है शकुंतला उन सबको वो कहते हैं
पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मात् स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां सर्वैरनुज्ञायतां सर्वैः आप सब पशु पक्षी पादप वन लता औषधि सब अनुज्ञायताम आप अनुमति दीजिए इसको किसको शकुंतला को कि अपने पति के घर में जाके सुखी रहे सम्मान मिले और महारानी बन के राज्य करे। कैसी है शकुंतला तो उसके बारे में उसकी जो दैनंदिक क्रियाएं हैं उसके बारे में ऋषि कर्ण कहते हैं। कालिदास शकुंतला के चरित्र का जो उत्कर्ष है उसको बताते हैं कि किस तरह से पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मात् स्वपीतेषु या आप सब छोटे पेड़ पौधे कमल के वृक्ष सबको पहले पानी पिला के जो पानी पीती थी अगर आपको पानी नहीं पिलाती थी तो तब तक पानी नहीं पीती थी। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मात् स्वपीतेषु या और नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम प्रियमंडना थी यानी उसको आभूषण लगाना जूड़े में गजरा लगाना या पुष्प की जो है वेणी बनाना और उसको पहनना वो बहुत पसंद था अनुकूल था उसको अच्छा लगता था। प्रियमंडना थी साज श्रृंगार करना अच्छा लगता था लेकिन प्रियमंडनापि वो आपके पुष्पों को कलियों को कभी तोड़ती नहीं थी। और आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः जब आप पौधों में कोई अंकुर लगता था कली खिलती थी पुष्प खिलता था तो उसको सेलिब्रेट करती थी उसको उत्सव मनाती थी कि आज मेरे इस पौधे में ये फूल लगा ये कली खिली है यानी इतना उसको आप लोगों से अनुराग और आसक्ति थी। वो सेयम शकुंतला वो शकुंतला आज पतिगृहम याति पति के घर जा रही है आप सब लोग उसको अनुमति दीजिए। इस तरह से जो पर्यावरण की रक्षा करना है या वृक्षारोपण की बात आज जो हम करते हैं या प्रकृति के साथ मनुष्य का किस प्रकार अंतरंग संबंध होता है उस बात को लेकर कालिदास ने विशेष रूप से भारतीय वांग्मय में अपनी प्रतिष्ठापना की है कि भारत के व्यक्ति नागरिक ऋषि मुनि और यहाँ की जो भी प्रजा है निवासी है वो नदी पर्वत वृक्ष इन सब को आदर देते हैं उनका संरक्षण करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। अपनी रक्षा करने से पहले वृक्षों की नदियों की पहाड़ों की रक्षा करना आवश्यक है ये मानते हैं। और आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये इतना युक्तियुक्त है अपडेट चिंतन के लिए इतना प्रेरक है ये संदेश कि किस प्रकार से हमारे साहित्य में वांग्मय में इन चीजों का चिंतन किया गया है कि मनुष्य जीवन को अगर स्वस्थ रखना है मनुष्य समाज को विकास के पथ पर मार्ग पर आगे ले जाना है तो हमको प्रकृति के साथ मिलकर जीना होगा नदियों को शुद्ध रखना होगा पहाड़ों को उसी तरह हरा भरा रखना होगा जंगलों के वृक्षों की रक्षा करनी होगी नदी के जल की सुरक्षा स्वच्छ बनाए रखना होगा और जितने हो सके उतने जहां हम रहते महानगर में हो गांवों में हो कस्बों में हो वहां जितने अधिक हो सके हमें वृक्ष लगाने होंगे क्योंकि वृक्ष है तो पृथ्वी है वृक्ष है तो वृष्टि है और वृष्टि है तो जल होगा तो जीवन होगा। तो मनुष्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है इस महाकवि की वाणी और विचार से हमको पता चलता है। चतुर्थ अंक की विशेषता इसी बात को लेकर है कि एक एक पद्य में भारतीय जीवन का जो महत्व होता है उसको महाकवि कालिदास ने चित्रित किया है। आगे चले तो देखते हैं कि किस प्रकार से अग्नि की प्रदक्षिणा करने के लिए ऋषि कण्व शकुंतला को कहते हैं कि तुम पति के घर जा रही हो शारदवत और शारंगराव
दोनों शिष्य और गौतमी जो उनकी धर्म भगिनी है, जिसको बहन बनाया है, गौतमी तपस्विनी है, आश्रम में रहती है, उनको भेजकर शकुंतला के साथ राजा के यहाँ वो भेज रहे हैं, लेकिन विदाई करने से पहले जो जो कर्तव्य है वहाँ वो पूरा करते हैं। उस समय एक कोयल की टहुकार होती है तो ऋषि कहते हैं कि बेटी इस कोयल ने अपने कुहू इस ध्वनि से कह दिया है कि हम भी तुम्हारी शुभ यात्रा के लिए शुभकामना करते हैं और तुम जाओ अपने पति घर में सुखी रहो। और इसी प्रकार शकुंतला जाती है तो एक मृग पोतक, मृग का जो बच्चा जिसको कोई घाव हो गया था और उसको इंगुदी तेल से शकुंतला उसको पट्टी करती है, उपचार करती है और ठीक हो जाता है, तो बेटे की तरह मानती है, वो उसका आंचल पकड़ के रोकता है, मृग का बेटा, बहुत करुण दृश्य है। तो उस समय ऋषि कण्व कहते हैं, बेटी शकुंतला कहती है कौन है जो मेरे इस आंचल को पकड़ के खींच रहा है, तो कण्व कहते बेटा ये वही हिरण का बच्चा है, छौना है, जिसको तूने इंगुदी तेल लगा के जिसके घाव को भरा था और प्रतिदिन तू इसको पुत्र की तरह स्नेह करती थी, वो चाहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। इस तरह से बहुत करुण दृश्य है। अग्नि की परिक्रमा करती है शकुंतला और अग्नि से आशीर्वाद लेते हैं। पुनः एक सनातन संदेश के भारतीय सनातन वैदिक जो परंपरा है उसमें अग्नि का क्या महत्व है। अग्नि मिले पुरोहितम, वैदिक मंत्र सबने सुना और समझा होगा, पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए अग्नि माने ताप, माने जिसको हम आजकल थर्मल पावर या टाइडल पावर, जिसको जलीय विद्युत या तापीय विद्युत के नाम से जानते हैं, आधुनिक जीवन में तो इसकी इस ऊर्जा का, इस शक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन उस समय भी हमने स्वीकार किया था कि अग्नि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है और अग्नि के रूप में ही हमारी जो जठराग्नि है उसमें श्रीमद् भगवद गीता में जैसे कहा है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं जठराग्नि बनकर प्रत्येक प्राणी के उदर में चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वो परम चेतना जो ब्रह्मांडीय चेतना है उनका ये वचन है कि उनका दायित्व है कि हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते पीते हैं उसको पचाना उस अग्नि का काम है। इसी तरह से जो साक्षात अग्नि है, जिसको हम पहले जब गैस नहीं था या इस तरह इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो विद्युत है ये नहीं थी, तब जो शमी वृक्ष में जो होने वाली अग्नि है या लकड़ी के अंदर जो अग्नि है उससे ही हमारा जीवन चलता था। और इसी तरह से उसका उदाहरण दे के हम कहते थे कि जैसे काष्ठ में अग्नि है उसी प्रकार से वो दिखती नहीं है, जलाने पर उसमें से अग्नि प्रकट होती है। प्रत्येक प्राणी में उसी तरह परम शक्ति है, उसको जागृत करने पर उस शक्ति का, उस चेतना का साक्षात्कार होता है। तो यहां से संदेश लेकर, तो इसीलिए हमारे यहां अग्निस्तोम हवन करना इसलिए आवश्यक था, उसको केवल क्रिया के रूप में नहीं, कर्मकांड के रूप में नहीं, उसको समझकर प्रातः सायं या जब भी अवसर मिले, पूर्णिमा को या किसी शुभ दिन को जो हम हवन करते हैं, उस हवन में एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो शक्ति है हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, उसको हम प्रज्वलित करते हैं। इसी तरह से मानसिक शक्ति को भी प्रज्वलित करना, एनलाइटन करना, उसको ऊर्ध्वरेतस बनाना बहुत जरूरी है। तो ये एक संदेश जिसको कालिदास चतुर्थ अंक में इसको विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं। जब ये जाते हैं तो आश्रम का जो किनारा होता है उदकांतम, माने जहां एक तालाब या बावड़ी होती है वहां तक जाते हैं और वहां से वो विदाई करते हैं। शकुंतला चली जाती है, दोनों सखियां देखती रहती है और उससे पहले शकुंतला कहती है, तात कण्व मैं आपको पुनः कब देख पाऊंगी, और कण्व ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि बेटी शकुंतला तुम जाओ और प्राची दिशा जैसे अर्क माने सूर्य का उदय करती है, इस प्रकार से एक चक्रवर्ती पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा और अंतिम क्षण में शांते वयसी माने चतुर्थ आश्रम में तुम और राजा दुष्यंत दोनों फिर वापस तपोवन में आना और यहां आकर अपना शेष जीवन बिताना, तब मैं यहां तुम लोगों को मिलूंगा और वहां जाकर तुम अपने पति के साथ अपनी जो विरह व्यथा है, पिता से वियुक्त हुई है, वो भूल जाओगी।
तो इसी बात को रघुवंशम जो महाकाव्य है उसमें महाकवि कालिदास कहते हैं रघुवंश का वर्णन करते हुए, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजा। जो रघुवंशी, जैसे यहां पुरुवंश का वर्णन किया है उसके बारे में बताया महाकवि कालिदास ने, रघुवंश उनका पद्य महाकाव्य है, एपिक है, उसमें सारे पद्य है, श्लोक है, और वो वर्णन करते हैं कि रघुवंशी कैसे थे, जिस वंश में राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ, उनके पिता दशरथ, उनके पिता अज, उनके पिता दिलीप, इस तरह से जो परंपरा हरिश्चंद्र से शुरू होती है उसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, रघुवंशी अपने 25 वर्ष की उम्र तक शैशव में अभ्यस्त विद्यानाम, विद्या का अभ्यास करते थे, अनेक प्रकार की विद्याओं को अर्जित करने के लिए गुरुकुल में रहते थे, तप करते थे, संयम से रहते थे और अच्छे वेदवित बनते थे। विद्या का अर्जन करने के बाद यौवने विशेषणाम, यौवन में 25 से 50 की जो उम्र है उसमें विषयेषणाम, विषयोपभोग करते थे, गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, प्रजा पैदा की, उनको बड़ा किया और विशेष जो गार्हस्थ धर्म है, दायित्व है, उनको पूरा करते थे। और वार्धक्य मुनिवृत्तानाम, जब वृद्ध प्रौढ़ हो जाते थे वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 तक, तो मुनिवृत्ति धारण करते थे, अनासक्त हो जाते थे, संसार में जो आसक्तियां थी उसको धीरे 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 दूर करके निरासक्त सब दायित्व आने वाली पीढ़ी को देकर स्वयं साधना करते थे। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, अंत में यानी 75 से 100, क्योंकि 100 वर्ष की आयु हमारे यहाँ हमारे जीवन दर्शन में महर्षियों ने मुनियों ने कही है, बाद में योग के द्वारा तनुत्यजाम अपने शरीर को छोड़ देते थे। योग का महत्व जो आज पुनः रिवाइव हो रहा है पूरे विश्व में, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसके लिए विशेष रूप से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिष्ठित कर दिया है, तो पूरे विश्व को इस योग का संदेश दिया है, योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग के द्वारा यानी जीव और शिव का मिलन जहां होता है उस परम चेतना के साथ संयोग करके अपने शरीर को छोड़ देते थे, ऐसे थे रघुवंशी। तो उसी प्रकार से पुरुवंश की बात यहां अभिज्ञान शाकुंतलम में करके कहते हैं कि पुरुवंश में जो पौरव लोग हैं, चक्रवर्ती राजा दुष्यंत है, उनको एक पुत्र चक्रवर्ती देकर उनको राज्य सौंप के तुम वापस आ जाना, इस तरह से सांत्वना देकर, सांत्वना के साथ फिर उपदेश देते हैं कि तुम्हें वहां जाके क्या करना है, सुश्रुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, वहां जाके गुरुजनों की सेवा करना, जो बड़े हैं उनकी सेवा करना, आदर करना, और जो छोटे हैं उनको स्नेह करना, प्यार करना, उनका उनकी देखभाल करना, और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अंतःपुर में राजा की कई सारी रानियां होगी तो उनसे असूया नहीं करना, सौतिया दाह नहीं रखना, प्रियजन प्रिय सखी वृत्तिम, उनको अपनी प्यारी सहेलियों की तरह उसके साथ व्यवहार करना। और इस प्रकार उपदेश देके कहते हैं कि जो कुलवधुए होती है, कुल की स्त्रियां होती है, वो इस तरह से सेवा करके, स्नेह करके, पति की आज्ञा को मान करके, जो गुण है उसका पालन करके, सत्य का आचरण करके सम्मान प्राप्त करती है। अगर ऐसा आचरण कुलवधुए नहीं करती है तो वामाह कुलस्याधयः, जो वामा माने इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती है वो कुल को अधोनति अधोगति की ओर ले जाती है। तो ये संदेश जो श्लोक चतुष्टयम कहा है चतुर्थ अंक का, सुश्रुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यादि, ये चार श्लोक भारतीय संस्कृति को का जो उत्कर्ष है, जो संदेश है, जो उसका तत्व सार है, उसका सारा निचोड़ महाकवि कालिदास ने इन चार श्लोकों में रखा हुआ है। इसलिए इन चार श्लोकों की बात विद्वान लोग विशेष रूप से इसकी चर्चा करते हैं, वे लोग जाते हैं। मैं संक्षेप में अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक को पूरा करता हूं कि जब राज दरबार में जाते हैं तो वहां जो होनी है दुर्वासा जी का श्राप, राजा वहां जाके राजकार्य में डूब जाते हैं और अनेक प्रकार की व्यस्तता होती है, उनको संदेश मिलता है तपोवन से, कोई दो ऋषि कुमार आए हैं, साथ में एक तापसी है और एक मुनिकन्या है, वो कहते हैं वो आपकी पत्नी है, राजा को कोई स्मरण नहीं होता है कि मैंने तो कोई कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है,
भूल जाते हैं और एक तरह से अवज्ञा अपमान जो मुग्धा नायिका शकुंतला का होता है, तो यहाँ वो राजा को कहती है अनार्य, राजा को संबोधित करती है। आर्य माने जो सत्य का आचरण करने वाला, और अनार्य माने जो झूठ बोलता है उसको अनार्य। शकुंतला कहती है कठोर वचन, जबकि शकुंतला का चरित्र बहुत कोमल और बहुत निर्दोष है, लेकिन अनार्य कहकर अपना हृदय का भाव, एक तरह के जो गुस्सा है और पीड़ा है उसकी वेदना को प्रकट करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया है। उसके बाद जो कुल पुरोहित होते हैं वो कहते हैं ये मेरे पास रहेगी, हम कुछ दिन देखते हैं, क्योंकि वो गर्भिणी है। तो राजा कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हो सकता किसी और की संतान हो जिसको मेरे पे वो थोप रही हो, मेरे पे आक्षेप लगा रही हो, क्योंकि ऊंचे पद पर जो लोग होते हैं उन पर इस प्रकार के अनेक प्रकार के आक्षेप लगते रहते हैं, तो सहज स्वाभाविक था एक प्रकार से। फिर स्वर्ग से एक मेनका की सखी आके उनको ले जाती है, मारीच ऋषि के आश्रम में वो रहती है, वहाँ भरत पैदा होते हैं, उनका बेटा, वो खेल रहा होता है। और इधर कभी ऐसा कुछ बनना बहुत विस्तार से वर्णन दिया है, इधर घटना कुछ ऐसी होती है कि जो अंगूठी दी हुई है शकुंतला को राजा दुष्यंत ने, उसका ध्यान दिलवाती है प्रियंवदा और अनसुया कि राजा अगर भूल जाए तुम्हें, क्योंकि राजा है और जंगल में आए काफी समय हो गया है, तो भूल जाए तो अंगूठी दिखाना, उस अंगूठी पे उनका नाम लिखा हुआ होता दुष्यंत का, वो दिखाओगे तो उसको याद आ जाएगा। होनी ऐसी होती है कि वो जब नदी तट पर पानी पीने के लिए जब हाथ से अंजलि से पानी भरती है तो अंगूठी पानी में चली जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। इधर एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए मछलियां पकड़ता है, तो वो मछली जिसने अंगूठी निगल ली वो आती है, उसको काटता है तो उसमें से अंगूठी मिलती है, उस पर दुष्यंत नाम लिखा, वो राज दरबार में जाता है और कहता है राजा की अंगूठी मुझे ऐसे मिली। फिर विस्तार से घटना है, राजा को अंगूठी देख के याद आता है कि शकुंतला सच बोलती थी और वो कहाँ गई, ढूंढता है। फिर शकुंतला का वियोग बहुत सताता है, बहुत दुख करता है, पश्चाताप करता है और किसी प्रकार से मुझे शकुंतला मिल जाए इसकी वो खोज करता है। राजा है तो अनेक प्रकार के उसके साधन है। फिर घटना आगे ऐसे होती कि इंद्र को सहायता के लिए वो जाते हैं, मारीच ऋषि का आश्रम है, वहाँ पहुँचता है, एक बालक को देखता है, बालक तेजस्वी है, दमनक जो शकुंतला का बेटा है, शेर का मुंह जो है खोल के कहता है दंतांते गणयिष्यामी, तुम मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो उसका जो साहस, अदम्य साहस और उसका जो उसकी वीरता है उस पर राजा मोहित हो जाता है और उसको देखता है, वहां उसका शकुंतला के साथ मिलन होता है। और उसके बाद राजा, शकुंतला, भरत, तीनों का मिलन, सुखांत नाटक पूरा होता है। और जैसे कि संस्कृत नाटक की परंपरा है, नांदी आरंभ में जैसे होती वैसे भरत वाक्य होता है, और भरत वाक्य में महाकवि कालिदास फिर पुनः एक संदेश देते हैं, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव श्रुति महती महीयताम। दो बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल के संदर्भ में, प्रत्येक वाक्य पद में भारत का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का जो एक रचनात्मक पक्ष है, एक उजला पक्ष है, एक प्राप्तव्य जिसकी साधना करनी चाहिए वो पक्ष है, महाकवि कालिदास ने रखा है। नवरस का वर्णन करते हुए करुण रस भी है, वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार, कवि कालिदास को विद्वान लोग श्रृंगारी कवि कहते हैं, कोई संदेह नहीं, उसमें वो अतुलनीय है, बेजोड़ है, और कोई कवि इतना श्रृंगार का इस तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं ऐसा माना जाता है। किंतु साथ साथ जो हमारी उदात्त संस्कृति है उसके जो उज्जवल पक्ष है, और जिसके लिए हमारे हजारों ऋषि मुनियों ने अपना जीवन में जो साधना और तप की है और इस संस्कृति को पल्लवित पोषित किया है, बनाए रखा है, उस पक्ष को ज़्यादा सामने प्रतिष्ठापित करते हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज, राष्ट्र और अन्य राष्ट्र साथ में मिलके एक पूरा विश्व कुटुंब जो बनता है, उसमें समाज कैसा होना चाहिए, समाज में रहने वाले व्यक्ति कैसे होने चाहिए, सामाजिक संतुलन, सामरस्य कैसा होना चाहिए,
आपस में परिवार में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए और एक दूसरे परिवारों का संबंध कैसे होने चाहिए और राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, उसकी अद्भुत परंपरा का सरल भाषा में रोचक ढंग से वर्णन महाकवि कालिदास करते हैं। और भरत वाक्य में वे कहते हैं कि प्रकृति हिताय पार्थिवः प्रवर्तता, प्रकृति माने प्रजा, राष्ट्रवासी, सारे लोग, जो राजा जहां का है उसके लिए पार्थिव माने राजा प्रवर्तताम, उसका हित की बात करे, उसके सुख की बात करे, उनकी सुविधा की बात करे। राजा केवल या सरकार केवल करादान टैक्स न ले, टैक्स तो ले लेकिन टैक्स लेने के साथ उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी व्यवस्था का दायित्व राजा पर, सरकार पर, प्रशासन पर है, क्योंकि वो टैक्स लेती है, वो व्यवस्था तो लोगों के द्वारा ही की जाएगी। और ऐसा समाज का वर्ग जो वंचित है, माने इन सुविधाओं को जिनको प्राप्त नहीं है, उन वर्गों को भी सरकार की ओर से साधन मिलना जरूरी है। और राज्य व्यवस्था की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने के बाद जो सांस्कृतिक पक्ष है उसके लिए कहते हैं श्रुति महति महीयताम, महति श्रुति ही माने वेद, श्रुति वेद को कहते हैं, जो हमारा वैदिक वांग्मय है वो श्रुति महति महीयताम, महीयताम माने उसका विस्तार हो, उसका आदर हो, उसका पालन हो, इस राष्ट्र के वासी और इस विश्व के सभी लोग जो शाश्वत संदेश है करुणा का, अहिंसा का, शांति का, सह अस्तित्व का, उसको उसका पालन करे और अपने जीवन में उसको स्वीकार करे। सरस्वती श्रुति महति महीयता, सरस्वती कह के ज्ञान की बात और वांग्मय की और साहित्य की बात की, जिस साहित्य के लिए हम कहते हैं कि सत्यम शिवम और सुंदरम का संदेश साहित्य को देना चाहिए, ये नहीं दिया जाता तो वो साहित्य समाज के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। समाज की रचनात्मक विकास के लिए साहित्य को सत्य और शिव और सुंदर का पालन करना जरूरी है। इस संदेश को महाकवि कालिदास ने कम वाक्यों में, कम शब्दों में और बहुत मधुर ढंग से कहा है, श्रुति महति महीयता। और इसी भरत वाक्य के साथ मैं अभिज्ञान शाकुंतलम को, जो मैंने समेटा है संक्षेप में, और कभी अवसर मिलेगा तो और विस्तार से इस पर बात होगी, मैं यहाँ पूरा करता हूँ। आज समय पूरा हो रहा है, इसी के साथ आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे डिसेट नेटवर्क में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम इजाज़त लेंगे, नमस्कार, देखते रहिए। नमस्कार।